नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के लिए अंग्रेजी अनिवार्य की ये कक्षा है, जिसमें द लास्ट लेसन आपका जो चैप्टर है उसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। जो एबीसीडी या एबस अदे वाले पर्सन है बहुवैकल्पिक, जिसमें आपका फर्स्ट टेस्ट हुआ था उसी के आधार पर हो सकता है सेकंड टेस्ट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए। तो आपके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके द लास्ट लेसन से बनते हैं। तो अपने इस वीडियो को 10-15 मिनट में निपटा देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, बड़ा ही शानदार वीडियो है आपका। ये जो पर्सन है वो मैंने इंपॉर्टेंट है वो छांट कर यहाँ पर लिखे हैं, पीडीएफ बनाइए, काफ़ी मेहनत की है। तो आप भी इस वीडियो को देखना और वीडियो को लाइक भी कर देना। यदि अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, और अन्य साथी जो 12वीं क्लास में पढ़ता है उसको लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो अपने शुरू करते हैं क्लास 12 का इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर द लास्ट लेसन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, यानी ये टेस्टों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और टेस्टों के नंबर भी आपके जुड़ने वाले हैं। तो देखो, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने स्क्रीन पर। पहला प्रश्न क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन के ऑथर कौन है, लेखक कौन है, जेन ऑस्टिन, रविंद्रनाथ टैगोर, नन, एल्फोनिस डॉटिट। तो आपका उत्तर है डी। क्या उत्तर है, डी, एल्फोनिस डॉटिट आपके इस के लेखक है पाठ के। अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न, ये देखो दो नंबर प्रश्न फिर स्क्रीन पर आ गया है। दो नंबर प्रश्न क्या है, एल्फोनिस डॉटिट वाज फ्रॉम विच कंट्री। एल्फोनिस डॉटिट किस देश से थे, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड। तो वो किस देश से थे आपके, बी, फ्रांस से। तो आपका उत्तर हो गया बी। मैं फटाफट आपके इन प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ। प्रश्न नंबर 3 देखो, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, यानी कौन सी मानव प्रवृत्ति के बारे में बता रही है, मेल सोविनिज्म या प्रोक्रास्टिनेशन या कोरेज या क्वारडिस। तो मेल सोविनिज्म होता है, यूं कह सकते हैं अपने कि पुरुष की अंधराष्ट्रीयता कह सकते हैं, और प्रोक्रास्टिनेशन ये होता है आपका किसी चीज का मलाल करना है, या कोई डिले यानी देरी हो गई है उसका थोड़ा पश्चाताप करना है, और सी कोरेज साहस और क्वारडिस कायर। तो यहां पर पश्चाताप जैसी बातें हो रही है। तो आपका उत्तर है बी। प्यारे बच्चों, कौन सा उत्तर है, बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 देखो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, यह रहा प्रश्न नंबर 4। व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सास, कि अल्सास के लोग, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ अल्सास, के अल्सास के लोगों के बारे में कौन सी बातें या किन बातों के बारे में उन्हें थोड़ा क्षति हो रही थी या पश्चाताप हो रहा था। टीचर्स ऑफ द स्कूल, टाइम एंड स्कूल, पीपल अराउंड, मनी एंड पावर। तो ये इनको जो पछतावा हो रहा था वो आपका बी, टाइम एंड स्कूल का हो रहा था। प्रश्न नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबोलाइज, लास्ट लेसन क्या सिंबोलाइज करता है, लॉस, लॉस्ट ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम। तो आपका उत्तर है डी। कौन सा उत्तर है आपका, डी है, कि लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, यानी भाषा और स्वतंत्रता का खोना। तो 5वें का उत्तर आपका डी हो गया। 6ठा प्रश्न देखो, व्हाट डज द लास्ट लेसन सिग्निफाई, ये किस ओर इंगित करता है, चेंज ऑफ पावर, चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज इन लाइफ, चेंज ऑफ टीचर्स, यानी शक्ति परिवर्तन में, सरकार के परिवर्तन में, जीवन के परिवर्तन में और अध्यापकों के परिवर्तन में। तो ये चेंज इन लाइफ की बात कर रहा है। तो सी आपका उत्तर हो गया। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 7 आ गया आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट, यानी ये जो मार्च पास कर रहे थे सैनिक खिड़की के माध्यम से जो दिखाई दे, किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, द डन ऑफ प्रसा इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल, यानी यूं कह सकते हैं प्रसा का उदय हो रहा है जिसने फ्रांस के लोगों को हरा दिया, द डिफीट ऑफ प्रसा या फरसा की हार, या द विक्ट्री ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच की विजय, या नन ऑफ दिस। तो पहला ही उत्तर है आपका द डान ऑफ फरसा इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। तो आपका उत्तर हो गया ए। 7वें का उत्तर क्या हो गया, ए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आ गया आपका, ये रहा स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8। फ्रॉम वेहर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि फ्रॉम वेहर, कहाँ से डिड द ऑर्डर, आदेश आया कम टू टीच पढ़ाने का, ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी अल्सास और लॉरेन जिलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, ये आदेश कहाँ से आया था। तो ये आदेश आया था बर्लिन से। कहाँ से आया, फ्रांस, लॉरेन, बर्लिन, जर्मनी। तो यहाँ पर बर्लिन कहेंगे। आपका उत्तर क्या है, सी है 8वें का। प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, व्हाट डज अफेक्ट दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट,
यानी ये कहानी किस प्रकार का प्रभाव डालती है, पावर मनी ट्रांजिशन और पीपल, शक्ति का, धन का और बदलाव का, या संतानाथन कह सकते थे लोगों का। तो ये बदलाव का सी उत्तर है इसका, 9 नंबर प्रश्न का उत्तर सी है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, वाई वाज फ्रेंच रिलेक्टेड टू गो टू स्कूल, रिलेक्टेड होता है अनिच्छुक होना, ये फ्रेंच है वो स्कूल जाने का अनिच्छुक क्यों था, वॉन्टेड टू एंजॉय वार्म सनलाइट यानी वो धूप में आनंद लेना चाहता था, वॉन्टेड टू सी सोल्जर ड्रिल यानी वो सैनिकों का अभ्यास देखना चाहता था, वॉन्टेड टू एंजॉय आउटडोर ये बाहर खेलना चाहता था, आनंद लेना चाहता, लेसन ऑन पार्टिसिपल वाज नॉट प्रीपेयर्ड, यानी जो पार्टिसिपल पर जो उसके लेसन थे वो तैयार नहीं थे। तो आपका उत्तर डी है, 10वें का उत्तर क्या है, डी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। प्रश्न नंबर 11 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। प्रश्न नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट डिड फ्रेंच फाइंड ऑन रीचिंग द स्कूल, जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने क्या पाया, पीपल वर डांसिंग, लोग नाच रहे थे, स्कूल वाज क्लोज, स्कूल बंद थी, पुलिस पेट्रोलिंग यानी पुलिस वहां पर पेट्रोल गश्त कर रही थी, स्ट्रेंज क्वाइटनेस, बिल्कुल चुप्पी थी। तो आपका उत्तर स्ट्रेंज क्वाइटनेस यानी डी है 11वें प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, वो ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास, कक्षा की जो पीछे की बेंचेस थी उनके ऊपर कौन बैठा था, वीक स्टूडेंट्स, टीचर्स, मॉनिटर ऑफ द क्लास, विलेज एल्डर्स यानी कमजोर विद्यार्थी, अध्यापक या कक्षा के मॉनिटर बैठे हुए थे, विलेज एल्डर्स गांव के बुजुर्ग लोग बैठे थे। तो आपका उत्तर है डी, विलेज एल्डर्स, ये 12वें का उत्तर है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या है, व्हाई वाज फ्रेंच सरप्राइज्ड, फ्रेंच को आश्चर्य कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स लोगों के यानी ग्रामीण लोगों के कारण, बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग पुलिस के गश्त करने के कारण, बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर विद्यार्थियों के व्यवहार के कारण, बिकॉज ऑफ मिस्टर हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर, मिस्टर हैमल का विनम्र और दयालु व्यवहार। तो बिल्कुल आपका उत्तर है डी, यानी उत्तर क्या है, डी है 13 का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 देखिए क्या है आपके पास, यह रहा प्रश्न नंबर 14, और वाई वाज फ्रेंच फीलिंग रेग्रेट फुल एंड सैड, यानी फ्रेंच जो दुख महसूस कर रहा था वो क्यों कर रहा था, फॉर रीचिंग लेट पहुंचने के कारण, फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल नहीं सीखने के कारण, फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट सरकार के बदलने के कारण, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग होती है मातृभाषा न सीखने के कारण। तो आपका उत्तर क्या है, डी, फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग यानी उसने अपनी मातृभाषा नहीं सीखी, इस बात का उसे दुख था। प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, वॉम डिड मिस्टर हैमल ब्लेम फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल, कि वॉम किसे मिस्टर हैमल ने ब्लेम दोषी ठहराया फॉर नॉट सेंडिंग भेजने के लिए स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को टू स्कूल, यानी विद्यार्थियों को स्कूल न भेजने के लिए मिस्टर हैमल ने किसे दोषी ठहराया, फ्रेंड्स माता पिता को, फ्रेंड्स दोस्तों को, टीचर्स अध्यापकों को, वॉचमैन को। तो यहां पर फ्रेंड्स माता पिता को ही दोषी ठहराया गया। तो ए उत्तर है 15 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। What did Hauser bring? Hauser अपने साथ क्या लेके आया? Sweets, children, friends, old primer. तो आपका उत्तर क्या है? D. Old primer लेके आया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है? What might friends forget Mr. Hamel's ruler and crankiness? यानी किस प्रकार से Mr. Hamel का ruler और crankiness को friends भूल गया था? यानी डंडे को कैसे भूल गया था? उनके स्वभाव को कैसे भूल गया? Police patrolling, strange quietness, bustle on streets, the idea of his going away. यानी उनके जाने का आइडिया कि यहाँ से सर जा रहे हैं इसलिए वो ये सब कुछ भूल गया। तो आपका उत्तर क्या आएगा? डी आएगा, ठीक है ना, द आइडिया ऑफ हिज गोइंग अवे। कौन जा रहे हैं? Mr. Hamel वहां से छोड़ के जा रहे हैं अपने देश। ये लो प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 क्या है? फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड मिस्टर हैमल सर्व दिस स्कूल, मिस्टर हैमल ने कितने वर्षों तक सेवा दी थी? 20 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष। तो आपका उत्तर क्या है? डी, 40 वर्ष तक मिस्टर हैमल ने सेवा दी थी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या है? वेयर डिड द पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? स्कूल में, कोचिंग में, फार्म एंड मिल्स और मूवीज। तो आपका सी उत्तर है, फार्म एंड मिल्स यानी खेतों में भेज देते थे या मिल्स में भेज देते थे। प्रश्न नंबर 20 देखिए। प्रश्न नंबर 20 का क्या है? व्हाई वर द पेरेंट्स सेंडिंग देयर चिल्ड्रन टू द फार्म एंड मिल्स, व्हाई क्यों, यानी माता पिता है वो अपने बच्चों को खेतों में और मिल में क्यों भेजते थे? टू प्ले खेलने के लिए, टू मीट फ्रेंड्स दोस्तों से मिलने के लिए, और सी टू मीट रिलेटिव्स दोस्त रिश्तेदारों से मिलने के लिए, या डी टू अर्न मनी धन कमाने के लिए। तो आपका उत्तर है डी, टू अर्न मनी धन कमाने के लिए, 20वें का डी हो गया। अब 21 नंबर प्रश्न देखिए। व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू मीट मिस्टर हैमल इन द स्कूल, व्हाई क्यों, डिड द विलेजर्स ग्रामीण कम टू मीट आए मिस्टर हैमल से मिलने के लिए, क्यों आए स्कूल में, टू कंप्लेन शिकायत करने के लिए, टू से गुड बाय अलविदा कहने के लिए, टू
गॉसिप, बातें करने के लिए, और डी टू शो ग्रेटिट्यूड यानी उनके प्रति अभिवादन या यूं कह सकते हैं कृतज्ञता प्रकट करने के लिए। तो आपका उत्तर है डी, उत्तर क्या है डी टू शो ग्रेटिट्यूड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22। देखिए प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, व्हाई डिड मिस्टर हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। मिस्टर हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे सुंदर भाषा क्यों कहा? तो ये बिकॉज इट वॉज द क्लियरस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि ये बहुत ही स्पष्ट और तर्कसंगत थी, या बिकॉज इट वॉज नेटिव लैंग्वेज, ये राष्ट्रभाषा थी, बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि लोग फ्रांस से थे, या नन ऑफ दिस कोई उत्तर। तो पहला ही है बिकॉज इट वॉज द क्लियरस्ट एंड लॉजिकल। तो आपका उत्तर क्या हो गया, ए हो गया 22वें प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 23 देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है। What was friends expected to be prepared for at school that day? तो what was friends expected, किस चीज की उम्मीद करा था, prepared for to school that day, उस दिन स्कूल में क्या तैयार करके वो जा रहा था, सॉन्ग, गीत, डांस, नृत्य, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन या पार्टिसिपल। तो आपका उत्तर है डी पार्टिसिपल, क्या तैयार करके जा रहा था, पार्टिसिपल के रूल्स पढ़ के जा रहा था। प्रश्न नंबर 24 देखिए, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, When people are enslaved, what key do they have to the prison according to Mr. Hamel? कि जब लोग गुलाम हो जाते हैं, enslaved होता है गुलाम होना, जब लोग गुलाम हो जाते हैं तो उनके जेल की चाबी, the key do they have to the prison, यानी prison होता है जेल की चाबी है, according to Mr. Hamel, Hamel के अनुसार, यानी उनकी गुलामी की दास्ता से छूटने की चाबी कौन सी है, their behavior, उनकी उनका व्यवहार, power, शक्ति, aggressiveness में उत्तेजना या मदर टंग मातृभाषा। तो आपका उत्तर है डी, क्या है डी, यानी मातृभाषा आपका उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 में क्या कहा गया है, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल दैट डे। मिस्टर फ्रेंच यानी फ्रेंच ने उस दिन क्या देखा, अनयूजुअल दैट डे, उस दिन असाधारण क्या देखा, ऐसी घटना जो अलग टाइप की थी। तो ए क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में शांति, सोल्जर इन द स्कूल, स्कूल में सैनिक, क्राउड इन स्कूल, स्कूल में भीड़, ऑल ऑफ दिस, सब कुछ। तो सब कुछ नहीं था, आपका उत्तर ए है, क्वाइटनेस इन द स्कूल, स्कूल में शांति थी, चुप्पी थी। अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, देखिए क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड दैट डे। उस दिन जो बुलेटिन बोर्ड था, नोटिस बोर्ड था या सूचना पट था, उस पर क्या लिखा हुआ था, टीच ओनली फ्रेंच, केवल फ्रेंच पढ़ाई जाए, स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल अंग्रेजी बोली जाए, टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाई जाए, टीच ऑल दी, सब कुछ। तो आपका सी उत्तर है, टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। प्रश्न नंबर 27 देखिए, प्रश्न नंबर 27 क्या है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। व्हाट चेंजेस, क्या बदलाव आया, डिड द ऑर्डर आदेश में फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल, स्कूल के अंदर बर्लिन के आदेश कारण, दैट डे उस दिन, हसल बसल, पीपल वर हैप्पी, टीचर्स वर सैड, स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस, यानी शोर शराबा, ए बी लोग खुश थे, सी अध्यापक दुखी थे, डी यानी विचित्र चुप्पी और उदासी, सैडनेस होती है उदासी, क्वाइटनेस चुप्पी। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या है, डी है, यानी अजीब चुप्पी थी और उदासी थी। प्रश्न नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, ये लो प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, व्हाट चेंज्ड फ्रेंच फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल। यानी फ्रेंच की जो फीलिंग भावनाएं थी वो मिस्टर हैमल और स्कूल के बारे में किस प्रकार से बदल गई और क्यों बदली, पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस के गश्त के कारण, बी ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आने के कारण, सी स्ट्रिक वर्ड फ्रॉम मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल हैमल के कठोर शब्द, स्ट्रिक होता कठोर, या डी ओल्ड प्राइमर। तो यहां पर यही था कि जो बर्लिन से आदेश आया था ना, बी उत्तर है आपका, उत्तर क्या है 28 का, बी है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, व्हाट मेड फ्रेंड्स एंड द पीपल रियलाइज अबाउट द प्रेशियसनेस ऑफ देयर मदर टंग। तो कि व्हाट मेड फ्रेंड्स एंड द पीपल, यानी फ्रेंड्स को और लोगों को कैसे महसूस हुआ, प्रेशियसनेस होता है, प्रेशियसनेस होती है कीमत, और मदर टंग मातृभाषा की कीमत या मातृभाषा का मूल्य किस प्रकार से उन लोगों को महसूस हुआ, मिस्टर हैमल्स वर्ड्स, मिस्टर हैमल के शब्दों से, स्कूल ऑर्डर, स्कूल के आदेश से, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आए हुए अचानक आदेश, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के प्रधानाचार्य। तो उत्तर है सी, सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से अचानक जो आदेश आया था।
29 के बाद प्रश्न नंबर 30 की बात करते हैं। ये लो प्रश्न नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर। एक्सप्रेशन थंडर क्लेप इन द लेसन मीन्स, थंडर क्लेप का मतलब क्या होता है? थंडर तूफान की तरह बिजली का गड़गड़ाना क्या अर्थ है? लाउड बट नॉट क्लियर, यानी आवाज तेज लेकिन स्पष्ट नहीं। लाउड एंड क्लियर यानी तेज आवाज और स्पष्ट। स्टार्लिंग एंड अनएक्सेप्टेड, स्टार्लिंग होता है स्टार्टलिंग, ये होता है आश्चर्यचकित होना, एंड अनएक्सेप्टेड अप्रत्याशित। बिल्कुल यही था, आश्चर्यचकित होना और अप्रत्याशित। तो आपका उत्तर सी है, 30 का उत्तर क्या है? सी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारी सोशल साइट्स के लिंक दिए गए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां जाकर आप उन लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये PDF है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट डिड मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल? 31वां प्रश्न क्या कहा गया है कि मिस्टर हैमल ब्रिंग फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल। स्कूल में मिस्टर हैमल क्या लेके आया था उस दिन? न्यू पेन्स, नए पेन, न्यू नोटबुक्स, नई नोटबुक्स, स्वीट्स, मिठाइयाँ, स्टोरी बुक्स। तो यहाँ पर न्यू नोटबुक्स यानी बी उत्तर है। कौन सा उत्तर है 31 का? बी है। 32 नंबर प्रश्न देखिए। द लास्ट लेसन स्टोरी वॉज रिटन इन विच ईयर? लास्ट लेसन स्टोरी किस साल लिखी गई थी? तो 1879, 1770, 1773, 1772, 1773, 1773। तो ये था 1870-71, यानी बी उत्तर है। 32 का उत्तर क्या आपका? बी है, 1870-71। प्रश्न नंबर 33 देखिए। डोंट गो सो फास्ट यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम मीन्स, इतना जल्दी मत करो। डोंट गो फास्ट यानी इतना जल्दी मत करो। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल जाने के लिए इन प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत अधिक समय है। तो गेटिंग लेट देर हो रही है, इसका अर्थ क्या है? यानी पहले वाले का मीन्स अर्थ क्या है? गेटिंग लेट देरी हो रही है, वेरी अर्ली बहुत जल्दी है, नॉट अर्ली जल्दी नहीं है, अर्ली इनफ यानी पर्याप्त जल्दी है। तो पर्याप्त जल्दी यानी आपका डी उत्तर है, मतलब आपके पास काफ़ी समय है विद्यालय जाने के लिए। ये वहाँ पर एक ब्लैक स्मिथ लोहार था, वह फ्रेंच को कहता है जब वो बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरता है। प्रश्न नंबर 34, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड के सामने क्या था? चिल्ड्रन, बच्चे, पुलिस, हॉकर्स, एक क्राउड या भीड़ थी? तो आपका उत्तर है डी, एक क्राउड यानी एक भीड़ थी। प्रश्न नंबर 35 देखिए। व्हाट बैड न्यूज यूज टू कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड से क्या बुरी न्यूज आती थी? लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हारने की, द ड्राफ्ट, कोई भी ड्राफ्ट जारी होता, ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर का आदेश, ऑल ऑफ दोज। तो बिल्कुल आपका उत्तर क्या है? डी, ऑल ऑफ दोज है वो बुलेटिन बोर्ड्स, कोई भी सूचना है बुलेटिन बोर्ड से आती थी जो भी बैड न्यूज थी। प्रश्न नंबर 36 देखिए। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? विच लैंग्वेज वुड द स्टूडेंट स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट डे? अगले दिन कौन सी भाषा विद्यार्थी पढ़ेंगे? इंग्लिश, जर्मन, डच, स्पेनिश। तो आपका उत्तर है बी, जर्मन पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। ये रहो 37 नंबर प्रश्न आपका। व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन? ग्रेट इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग का अर्थ क्या है? टू हैप्पी अबाउट, देखो ग्रेट बहुत अधिक, ड्रेड घबराना या डरना, ऑफ स्कॉल्डिंग फटकार से डरना, तो टू बी हैप्पी अबाउट इट खुश होना, ये नहीं है। वेरी बैडली स्केट ऑफ स्कॉल्डिंग यानी फटकार से बहुत अधिक डर जाना, ये हो सकता है। टू बी इन डिफरेंट, अलग होना, नन ऑफ दिस। तो आपका उत्तर है बी, 37 का उत्तर क्या? बी, वेरी बैडली स्केट ऑफ स्कॉल्डिंग। प्रश्न नंबर 38 देखिए। वाई वाज फ्रेंच वाज सॉकड टू सी मिस्टर हैमल? वाई क्यों वाज फ्रेंच वाज सॉकड, फ्रेंच को शौक लगा टू सी देखकर मिस्टर हैमल, मिस्टर हैमल को देखकर शौक क्यों लगा? फ्रेंच को मिस्टर हैमल को देखकर शौक क्यों लगा? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, ये फॉर्मल ड्रेस में थे। बिकॉज ऑफ द गिव स्वीट्स, उन्होंने मिठाइयाँ दी। बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, उनके हाथ में फूल था। ऑल ऑफ दिस सब कुछ। तो बिल्कुल आपका उत्तर है ए, 38वें का उत्तर क्या? बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, वो फॉर्मल ड्रेस में थे। प्रश्न नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट एटीट्यूड ऑफ मिस्टर हैमल सरप्राइज्ड फ्रेंड्स? किस प्रकार का नजरिया मिस्टर हैमल ने, यानी मिस्टर हैमल का किस प्रकार का नजरिया फ्रेंच को आश्चर्यचकित लगा? सॉफ्ट एंड काइट, रूड, फर्म एंड स्ट्रिक्ट, नन ऑफ दिस। तो ये था आपका सॉफ्ट एंड काइट यानी विनम्र और दयालु। तो 39 का ए। ये रहा अंतिम प्रश्न 40 नंबर। हु वाज मिस्टर हैमल? मिस्टर हैमल कौन थे? ए स्पाई, एक जासूस, लैंग्वेज टीचर, एक भाषा के अध्यापक, सोल्जर, सैनिक, स्कूल प्रिंसिपल, विद्यालय के प्रधानाचार्य। तो ये आपका बी उत्तर है, लैंग्वेज टीचर, भाषा के, कौन सी भाषा के? फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे। ये भी प्रश्न आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा,
इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा घंटे का निशान भी दबा दीजिए। आगे मैं हर पाठ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो MCQ टाइप छोटे जो लघु अति लघुरात्मक है या लघुरात्मक प्रश्न है या बड़े प्रश्न है सभी को हल करके बताने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहना। और इस जो ये प्रश्न है ये PDF है 40 प्रश्नों की, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं या फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या अन्य व्हाट्सएप ग्रुप आपके यूट्यूब चैनल उनसे जुड़ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः आभार कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। अगले किसी वीडियो में मिलेंगे हम, अगले किसी क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।